भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का आने वाला है जन्मदिन, और इस जन्मदिन के उपलक्ष में पवन सिंह क्या नया करने वाले हैं। भाई इस साल पवन सिंह पूरे 34 साल के हो जाएंगे, और आपको बता दें कि पवन सिंह अपना ये वाला बर्थडे बहुत खास मनाने वाले हैं। खास इसलिए क्योंकि हर साल की तरह पवन सिंह गरीबों को दान करेंगे और बर्थडे के दिन भी काम करेंगे। जी हाँ, आप सभी को तो पता ही है कि भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह का बर्थडे सभी मनाते हैं। एक इकलौते वो हैं जिन्हें अपने बर्थडे के दिन कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। कई बार अपने कई इंटरव्यूज़ में पवन सिंह कह चुके हैं कि उन्हें उनका बर्थडे का दिन ऑर्डिनरी दिन ही लगता है, उन्हें कुछ स्पेशल नहीं लगता है। वो उस दिन भी काम करते रहना चाहते हैं, लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, अपने दर्शकों का प्यार पाना चाहते हैं। ये तो फैंस है और उनका प्यार है जो उन्हें उस दिन याद कराता है कि उनका ये एक स्पेशल डे है। वैसे आपको बता दें कि आप 5 जनवरी को पवन सिंह को विश कर सकती हैं। जी हाँ, पवन सिंह का बर्थडे 5 जनवरी को है, और पवन सिंह के फैंस के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं होता है। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लाखों करोड़ों फैंस के लिए ही पवन सिंह स्पेशली केक भी काटते हैं। आपको बता देते हैं कि पवन सिंह को केक काटना अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ, भले ही वो अपने हर एक सक्सेस पार्टी में केक को कट करते हैं, लेकिन पवन सिंह ने ये बताया है उन्हें केक काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, के उलट वो मिठाइयाँ बांट देना ज़्यादा प्रिफर समझते हैं। लेकिन भाई उनके फैंस को कौन रोक सकता है। खैर, आपको ये बता दें कि पवन सिंह का नया गाना जो अभी हाल ही में हैप्पी न्यू ईयर पे आया था, यानी न्यू ईयर ईव पे आया था, वो काफ़ी हिट हुआ है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और पवन सिंह इन दिनों अपनी फिल्म घातक की शूटिंग में व्यस्त हैं। घातक इसी साल रिलीज़ होगी और ये एक बहुत ही महंगे बजट की फिल्म है। साथ ही साथ इस फिल्म में बहुत ढेर सारा एक्शन है। तो भाई अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो ये साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा, क्योंकि इस साल पवन सिंह की बैक टू बैक कई फिल्में आने वाली हैं। सो भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।